नमस्कार टू एवरी वन, आई एम अर्चना। टूडे आई एम गोना एक्सप्लेन यू फर्स्ट चैप्टर। ओके, दिस इज द चैप्टर इज अबाउट इक्वेलिटी एंड अबाउट द डेमोक्रेसी। सो हेयर आप देख रहे हैं कि कुछ पीपल हैं जो खड़े हुए हैं, ठीक है। सो मनजीत कौर जो टीचर हैं, एंड तेज सिंह है ट्रेडर, ओके, गिरीश राव है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट है, एंड कांता देवी जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, घरेलू जो काम करती है, ठीक है, एंड सुजाता कुमारी है, वो भी क्या है कि डोमेस्टिक वर्कर है। ओके, सो ये सारे जने कहाँ खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े हैं। जैसे हम वोटिंग करते हैं तो वोट डालने जाते हैं कि हमें किन को चुनना है, ठीक है, तो उसके लिए ये लोग रो में खड़े हुए हैं। तो ये इलेक्शन डे की बात है। इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट, तो अपने वोट को दे रही थी। तो इक्वलिटी के बारे में यहाँ पर बताया है, इक्वलिटी जो कि समानता होती है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास सिक्स बुक वी लुक्ड एट की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो इंडिया है उसमें डेमोक्रेसी है, मतलब हम जो चीजें करते हैं लाइक हर किसी को अपने अकॉर्डिंग जीने की फ्रीडम है कि वो क्या काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसके बारे में पूरी फ्रीडम है। We look at the key elements of democratic government। तो इसमें हमने जो क्लास सिक्स में क्या देखा था कि हमने उसके की एलिमेंट्स को पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। दिस इंक्लूड्स पीपल पार्टिसिपेशन। में क्या होता है, पीपल अपने अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़ा है या कोई भी चीज है उसे सॉल्व कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आर्गुमेंट है, एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं, जस्टिस होती है, न्याय होता है, ठीक है। इक्वलिटी इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ दिस। तो इक्वलिटी जो होता है वो हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभावित करता है किसको, ऑल मतलब सारे ही फंक्शन को, हमारे देश में जो भी चीजें चल रही होती है, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है। तो सब अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें सही लगता है कि ये गवर्नमेंट सही है वो उसके अकॉर्डिंग वोट डालते हैं, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी। पूरे चैप्टर में इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इट, ये क्या होती है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों जरूरी होती है, एंड डेमोक्रेसी में क्यों जरूरी होती है, एंड वेदर नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया। मतलब अभी भी तुम आप लोग देखते हैं कि सब जने को इक्वल नहीं माना जाता है। हम लोग बोलते हैं ऐसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम एक दूसरे को सबको एक जैसा मानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी ऐसा है कि हम नहीं मानते हैं। लेट्स बिगिन लुकिंग एट द कांता। कांता की स्टोरी के बारे में बताया गया है। तो कांता जो है वो इलेक्शन लाइक अपना वोटिंग डे के दिन क्या करने लगे, वोट डालने गई थी। ऑन द इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। तो अपने वेटिंग वोट करने के लिए वो वेट कर रही थी लाइन में, ठीक है। इज इन गुड सुजा दैट वी कॉल वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। कि ये बहुत अच्छी बात है सुजा कि हम लोग सब जने इक्वली क्या कर सकते हैं, समानता से क्या कर सकते हैं, हम सिटीजन है, यहाँ के नागरिक हैं, मतलब देश के जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिटीजन बोलते हैं, ठीक है, हम आर कंट्री, तो हम इक्वली अपना वोट दे सकते हैं। इवन जैन साहब जो है वो स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, जैन साहब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हुए हैं। तो ये बताना चाह रही है कि जैन साहब लाइक हर तरह के अमीर गरीब लोग या हर तरह की कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उसमें ये चीज देखी नहीं जा रही, और सब जने एक ही ग्रुप में खड़े हुए हैं। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। कांता जाओ, तुम्हारा टर्न आ गया है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो मैं उसी को वोट देना चाहूंगी जो हमारी जगह क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन वगैरह लगाने का वादा करा है जिन्होंने, हम उसी को वोट देंगे, उसी कैंडिडेट को वोट देना चाहूंगी मैं, उसने ये बोला, ठीक है। देन उसके बाद ये रूप बता रखी है कि अब्दुल रहीम जो है, शबनम मानू है, ठीक है, ग्रेसी
है, ये सारी चीज सारे जने भी इस रो में खड़े हुए हैं, जैसे अशोक जैन है ये भी खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वी विल सी यू लेटर कांता, हम उसे हम आपको बाद में देखेंगे, आपसे बाद में मिलेंगे, ठीक है। कांता से कहा, यस नमस्ते साहब, तो उसने बोला साहब को कि हाँ साहब नमस्ते, ठीक है। गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर, गुड़िया को फीवर हो रहा है, वो कह रही है, उनसे शेयर कर रही है अपनी बात कि गुड़िया को तो फीवर हो रहा है, आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट द साहब हाउस, मुझे पहले साहब के घर पे काम पूरा खत्म करना है। देन आस्क फॉर एडवांस, सम एडवांस, मतलब एडवांस में कुछ मनी चाहिए उसे, क्योंकि उसके पास इतने भी रुपए नहीं है कि वो उसका ट्रीटमेंट करा सके, तो उसके लिए उसे रुपए चाहिए। हियर हैव सम ऑफ दिस यू, ये तुम्हारे लिए है, यू विल फील बेटर, तुम्हें अच्छा लगेगा। व्हेन आई बैक इन इवनिंग, जब मैं शाम को वापस आऊंगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके, हम हॉस्पिटल जाएंगे। इट्स नो वंडर द गुड़िया फॉल फॉल इल ऑफन, मतलब ये कोई वंडर की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुड़िया जो बीमार मतलब है, ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लीन, ये बस्ती जो है कभी यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, तो ये तो ऑब्वियस है कि उसका बीमार होना, ओके। देन इसमें बता रखा है राइट टू वोट, अब इसमें यहाँ पर ये स्टोरी पूरी बता रखी है कि मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, तो घर पे जाती है उसके बाद उसको बोलकर कि मेक श्योर, तो ये जो उसकी मालकिन है वो बोलती है कि ये बिल्कुल ध्यान से करना कि कोई भी कॉर्नर्स ऐसा नहीं रह जाए, छूट नहीं जाए, कि साफ पूरा हो जाए। हेयर हेयर योर एडवांस, ये तुम्हारा एडवांस में जो वो रुपए देते हुए बता रही है कि ये तुम्हारा एडवांस है कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट, बट इसकी हैबिट मत डालो कि तुम पहले से एडवांस मांग लेती हो, तो वो बोलती है नो मैडम मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो ये सब चीज होती है। उसके बाद क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स वेट, मतलब उसके बाद क्या होता है, वो रुपए लेके क्या जाती है, डेट इवनिंग, इवनिंग हो जाती है और अपनी बेटी को कहाँ ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाती है। तो जस्ट 4 मिनट्स बेटी, तो लाइन में खड़ी हुई थी और वेटेड, मतलब शी वॉज वेटिंग फॉर हिज नंबर एंड हर नंबर, तो वो क्या कर रही थी कि अपना वेट कर रही थी कि उसकी बेटी का नंबर आ जाए, और उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा था, उसकी बेटी इतनी ज्यादा बीमार थी, तो वो बोलती फ्यू मिनट्स बेटी कि तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन द लाइन टू वोट, मतलब वो भी वोट में खड़े तो थे लाइन में, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, लेकिन उनको कभी भी इस ऐसी लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ता होगा जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे। वो बता रही है कि चलो वोट तो हम के लिए सबके लिए सिमिलर है, चलो सब जने सब जन को समान माना जाता है, लेकिन जब हम ऐसी क्यू की बात करें तो उन्हें खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो वहां पर उसके मन में थोड़ी सी ये बात आ गई कि कहीं पर तो डिफरेंस है ही, हम सब में इक्वल नहीं है। तो इक्वल टू वोट में बताया है द स्टोरी अबाउट बिगिंस विद द कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू हर कास्ट हर वोट, उसका वोट डालने के लिए वो लाइन में खड़ी थी। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर, मतलब उसके साथ बहुत सारे लोग पास खड़े हुए थे कांता के साथ, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लाइक आप कि बता सकते हैं कि कोई अमीर था कोई गरीब था, ठीक है। कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर शोक जैन एंड छोटे लान एंड हर नेबर, वो सबको रिकॉग्नाइज कर सकती थी, पहचान सकती थी कि ये सब है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया है जो सारे जो एल्डर होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो हाउ मच दे एजुकेटेड, वो कितने भी एजुकेटेड दे हैव हैड एंड व्हाट कास्ट दे आर, उनकी कास्ट क्या है, वेदर वो कितने भी रिच हो या पुअर हो, आर अलाउड टू वोट, मतलब इसमें कोई भी उनकी असमानता नहीं होती, कि इसमें कोई भेदभाव नहीं करा जाता किसी भी रिलीजन को, कितने पढ़े लिखे हो, कितने रिच हो, कितने पुअर हो, तो इन सबको देखा नहीं जाता वोटिंग में। दिस इज एज यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन सिक्स क्लास, तो इसका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। तो ये सभी जो हमारे बड़े जो हमारे अडल्ट हैं उनका ये अधिकार है कि वो इस तरह से वोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। तो ये आइडिया जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इस जो आइडिया ये दिया गया है वो इसी बेस पे दिया गया है, इक्वलिटी के बेस पे दिया गया है।
ठीक है, कि सब जने को ये अधिकार है कि वो समानता से अपने वोट कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, किसी भी रिलीज से है, वो कितना भी अमीर है, कितना भी गरीब है, बिकॉज इट इज स्टेट दैट एवरी अडल्ट इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी एंड शी एंड और ही बिलोंग टू हैज वन, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसकी वेल्थ के बारे में बात करें, उसकी प्रॉस्पेरिटी की बात करें, ठीक है, कंट्री की बात करें, ठीक है, तो वो समानता से क्या दे सकता है, वोट दे सकता है, एक वोट दे सकता है अपना, ठीक है, ही और शी कोई सी भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, द कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी, वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी उस चीज के लिए, बहुत ही कि किसी चीज के लिए आप बहुत करने के लिए उत्सुक होते हो, ठीक है, तो वोट देने के लिए बहुत ज्यादा थी, हैप्पी भी थी, एंड शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन, और ये सब सब जनों के लिए इक्वल था दूसरे जनों के लिए, क्योंकि सबको अपना एक वोट डालना था, बट एज हर डेज गोज ऑन, जैसे ही उसका दिन आगे की तरफ बढ़ता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन, वो पहले तो उसकी सोच थी चलो यार चलो सबको देखकर रहना, ऐसा लग रहा था कि सब जने समान है, इक्वल है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आगे उसका डे गुजरा, तो उसकी सोच थोड़ी सी उसकी में थोड़ी कम होती गई इस सोच को लेकर अबाउट वॉट इज इक्वलिटी रियली मीन्स, इक्वलिटी का रियली मीनिंग होता क्या है, वॉट इज इट दैट मीन्स, कांता अनश्योर, कुछ चीजें ऐसी थी जो उसे अनश्योर कर दे रही, लेस कॉन्फिडेंट हो गई वो इस चीज को लेकर कि नहीं एक दूसरे से ये समान नहीं है, लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ, उसका ये डे को देखिए आप, शी लिव्स इन स्लम, वो स्लम में रहती है, गंदी मतलब जगह होती है, जैसे सिटी का गंदा एरिया होता है वो जगह पर वो रहती है, एंड हैज अ ड्रेन बिहाइंड हर, उसके घर के पीछे नाला भी है इस तरह से, एंड हर डॉटर इज सिक, उसकी जो डॉटर है उसकी बेटी जो है बीमार है, शी कांट टेक द डे ऑफ फ्रॉम द वर्क, वो मतलब छुट्टी भी नहीं ले सकती अपने मतलब उस वर्क से, बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी, उसे मनी उधार लेना है फॉर फ्रॉम हर एम्प्लॉयर टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, मतलब उसके डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो उसे पैसे चाहिए उसके मालिक से, इसलिए वो वहां से छुट्टी भी नहीं ले सकती, हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, उसकी जॉब ऐसी है कि वो उसे बहुत थका देती है, शाम तक तो वो इतनी थक जाती है, और फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन द लॉन, मतलब इतना थकने के बाद भी उसे वापस से वही रो में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि उसे अपने बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाना है और उस लाइन में खड़े होना है, एंड दिस लाइज इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन है, इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग आर पुअर, मतलब इसमें जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो खड़े हैं क्या है, पुअर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वो लोग क्या है, बहुत गरीब है, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और भी कुछ इक्वालिटी के बारे में बताया है कि इक्वालिटी क्या है, कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव्स इन द डेमोक्रेसी, मतलब कांता जैसे बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट टू वोट, उनको वोट डालने का तो पूरा अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर पुअर फ्रॉम इक्वल, मतलब ये इक्वालिटी से कहीं दूर है हमारे, मतलब डेली जो उनकी लाइफ है, डेली लिविंग है, वो जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पुअर होने के अलावा भी पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, उनको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है बहुत अलग अलग तरीके, लेट अस सी व्हाट दिस मीन, मतलब ये क्या है, बाय रीडिंग टू स्टोरीज गिवन बिलो, दो स्टोरीज और दे रखी है नीचे, ईच ऑफ दिस बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट इन द पीपल लिव्स एंड रिफ्लेक्ट द different kinds of inequality that exist in India, मतलब जो हमारे इंडिया में inequalities अभी भी देखने को मिलती है लोगों के रहन सहन से लेकर सब चीजों के बारे में, real incident stories बता रखी है जो real stories है further, okay, one of the more common forms of the inequality in the India in the caste system, basically caste system में बहुत ज्यादा inequality है, if you live in the rural area मतलब जो आप गांव गांव में इस तरह से रहते हैं, ठीक है, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग, आपकी कास्ट को आइडेंटिफाई करा जाता है, बहुत देखा जाता है दैट यू प्रॉबली लर्न ऑन एक्सपीरियंस वेरी यंग, मतलब बहुत ही छोटी मतलब यंग एज में आपको ये पता पड़ जाता है कि ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, ये इस कास्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि वहाँ पर कास्ट को लेकर बहुत सारी बातें होती है जो इफेक्ट करती है, बहुत मायने रखती है, इफ़ यू लिव इन द अर्बन एरिया, अगर आप सिटीज में बड़ी बड़ी सिटीज में देखते हो तो ये सारी चीजें क्या होती है, सम ऑफ यू माई थिंक दैट पीपल नो longer believe in caste, तो वहां पर तुम्हें आपको ऐसा लगता है कि वो लोग कास्ट में बिलोंग नहीं करते हैं ज्यादा,
बट जस्ट लुक एट दिस मेट्रोलिनियर शोन फ्रॉम अ रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पर ध्यान दोगे, जो भी मेट्रोलिनियर मतलब शादी से रिलेटेड जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, तो वहां पर आप अगर आप देखोगे तो ये चीजें आपको वो ही लगेगी। यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू, कास्ट कितना मायने रखता है। क्योंकि अगर हम इन सबको देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कास्ट को लेकर कितना ज्यादा दे रखा है, ठीक है, जैसे गुप्ता है एंड ब्राह्मण है, तो ये स्पेशली शो कर रहे हैं कि हमें गुप्ता ही ये चाहिए और ब्राह्मण ही चाहिए। तो इससे हमें हाईलाइट हो, ये मतलब ये इसी हाईलाइट है कि एसटी एससी एसटी इसी कास्ट के हमें मतलब जो चाहिए। तो इनसे हमें पता पड़ रहा है कि कास्ट भी इन अर्बन सिटीज में भी बहुत मायने रखती है, अगर हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो, ठीक है। नाउ लेट्स अस रीड अ स्टोरी, एक स्टोरी के बारे में बताया, जो कि फर्स्ट स्टोरी है, द एक्सपीरियंस ऑफ द दलित चाइल्ड। अब दलित होते हैं जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अटेंडिंग स्कूल, मतलब जो स्कूल में जाते थे। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द दलित इन द क्लास 6, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, दलित इज अ टर्म सो कॉल्ड लोअर कास्ट, नीची जो कास्ट होती है, यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, उनके लोगों को हम दलित बोलते हैं। तो दलित का मेन मीनिंग होता है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। बाय दिस वर्ड, इस वर्ड से हम क्या बताते हैं, लोअर कास्ट को पॉइंटिंग करते हैं, हाउ दे वर एंड टू बी कंटिन्यूसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इस तरह से हम उन्हें शो करते हैं कि उन्हें किस तरह से उनमें भेदभाव करा जाता है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मीन्स तो उनमें किस तरह से हम मतलब भेदभाव करते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि है जो कि फेमस दलित राइटर है, उन्होंने अपनी एक लाइक इस तरह से बुक भी लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने एक राइटर है जो कि इन हिज ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने झूठन जिसका नाम है, ही राइट्स ही हैड टू सेट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। तो जब वो छोटे थे तो उन्हें क्लास में दूसरों से अलग बैठना पड़ता था, एंड डेट टू ऑन द फ्लोर, कभी कभी उन्हें जमीन पे भी बैठना पड़ता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द I sat on. मतलब कई बार मैट जो थी नीचे बिछी रहती थी वो कई बार बाहर की तरफ चली जाती। Sometimes I would to sit way behind everybody. मतलब मुझे रास्ते में ही बैठना पड़ता था, right near the door. मतलब door के पास. Sometimes they would eat me. कई बार वो मुझे मारते थे without any reason. किसी भी रीजन के बिना, कोई भी कारण के बिना. When he was in class 4th, 4th class में जब था वो, उसके हेडमास्टर ने asked Om Prakash to sweep the school. तो उसके हेडमास्टर ने ओम प्रकाश को क्या करने के लिए बोला, झाड़ू लगाने के लिए बोला, सेव करने के लिए बोला, एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में ही राइट्स द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर देन माय स्मॉल फिजिक कुड हैंडल। मतलब वो प्लेग्राउंड इतना बड़ा था कि वो मेरी फिजिक, मेरी छोटी सी जो फिजिक्स थी, मेरी फिजिक मतलब जो आपका शरीर है वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा था कि वो उसे क्लीन नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो उसे करता था इन क्लीनिंग इट। माई बैक began to act, मतलब मेरे इतना मतलब काम करने के बाद मेरे क्या हो जाता था, उस बैक में मतलब पीछे पेट पीठ में क्या होने लग जाता था, बहुत दर्द होने लग जाता था। माय फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, मेरे फेस पर धूल जम जाती थी, एंड डस्ट हैड बोन इनसाइड माय माउथ, और डस्ट मेरे माउथ के अंदर चली जाती थी। अदर चिल्ड्रन इन माय क्लास, दूसरे चिल्ड्रन जो मेरे क्लास में थे वर स्टडी, वो पढ़ते रहते थे, एंड आई वाज सीटिंग, मैं झाड़ू लगाता रहता था। हेडमास्टर वाज सिटिंग इन द इन His room and watching me. Headmaster मुझे देख मतलब अपने रूम में बैठे रहते थे और मुझे देखते रहते थे। I was not even allowed to get a drink of water. मुझे इतना भी अलाउ नहीं करा जाता था कि मैं पानी पी सकूँ वहाँ पर जाकर। I swept the whole day. मैं पूरे दिन झाड़ू लगाता था, and from the doors and windows of the school rooms, school की windows पे, door पे पूरे दिन झाड़ू लगाता था। The eyes of teachers and the voice of this spectacle. तो जो टीचर्स की आईज थी और जो बॉयज की आईज थी वो मुझे देखती रहती थी, शॉकिंग करते, मतलब किसी आश्चर्य चीज को आप देख रहे हो कि वो मुझे देख ऐसे देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वेप द स्कूल एंड द प्रोग्राम एंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, मतलब दूसरे दिन भी उसे सेम यही चीज करनी पड़ती थी। एंड दिस इज ऑनली केम टू एंड ऑफ, मतलब वो इसी कारण वो आता था। ये सब एंड कब हुआ, दिस ऑनली केम टू एंड व्हेन हिज फादर हु happened to passing by, वो वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने ये सब चीज देख लिया, saw his son sweeping, तो उसको sweeping करते हुए देख लिया, कि झाड़ू लगाते हुए देख लिया अपने son को, and he confront the teacher, उन्होंने उन teachers का सामना करा उस बात पे, उन्होंने कहा उन्हें, and then walking away from the school holding Om Prakash hand, और उसका Om Prakash का hand पकड़ते हुए उसे वो बाहर लेकर,
उन पे बहस करी उन्होंने टीचर से कि ये तुम क्या करा रही हो, मतलब इस तरह से कुछ बहस हुई होगी. एंड ही सेड लाउडली फॉर ऑल टाइम टू, मतलब टू हियर, मतलब उन्होंने सबको इस बात पे सुनाया कि यू आर अ टीचर, आप एक है ना टीचर हो, सो आई एम लिविंग नाउ, मतलब आप टीचर हो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ. अगर आप कोई और होते तो मैं आपको उस बात का जवाब देता कि किस तरह से आप एक छोटे से बच्चे से इस तरह का काम करा रहे हैं. ठीक है, सिर्फ एक कास्ट को लेकर कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है. बट रिमेम्बर दिस मच मास्टर, ये चीज आप याद रखिए मास्टर, कि ही विल स्टडी राइट हियर, ये यहीं पर पढ़ेगा एंड इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा. एंड नॉट जस्ट हिम, और वो ही नहीं सिर्फ, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर, इसके बाद ऐसे बहुत से आएंगे इसके जैसे ही, बहुत से आएंगे जो इसी स्कूल में पढ़ेंगे. तो आप ये चीज भूल जाइए. ठीक है, इस तरह से वो जवाब देके, उसकी जो फादर होते हैं वो जवाब देकर जाते हैं ओम प्रकाश को लेकर. तो वो ओम प्रकाश जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है. ओके, अब ये सेकेंड स्टोरी भी बताई है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय.